वो एक नदी का किनारा था। वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर टोनी गौरैया अपने बच्चों के साथ निवास किया करती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहा करता था। वो मगरमच्छ हर समय पेड़ की ओर देखकर मन ही मन सोचा करता, न जाने इस पेड़ के नन्हे पंछी कब नीचे गिरेंगे और मैं उन्हें कब खा पाऊंगा। कम से कम उस घोंसले में रहे अंडे अगर गिर जाए तो उन्हें एक पल में कटक जाऊं। यूं वो सोचा करता, पर भोली टोनी गौरैया उस पर विश्वास किया करती और उसने उससे दोस्ती की थी। क्या हुआ दोस्त, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं दोस्त, मैं बस सोच रहा था कि पेड़ पर ये फल कितने मीठे होंगे। उन्हें खाने का मेरा बहुत मन होता है, पर भला मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरे पंख नहीं है ना। टोनी गौरैया को उस पर दया आई। अरे इतनी सी बात अगर मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देती ना। मैं तुम्हें अभी फल देती हूँ। टोनी गौरैया ने अपने चोंच से तोड़ तोड़ कर फल मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने उन फलों को खाया और बहुत खुश होकर कहा, पेड़ पर रहे फल अगर इतने स्वादिष्ट होंगे तो हर रोज फल खाने वाले ये पंछी कितने स्वादिष्ट होंगे। इन्हें खाने की आस बढ़ती जा रही है। यूं मन ही मन सोचने लगा। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लूसी कबूतर उड़ती हुई टोनी के पास आई, पर जिस समय लूसी टोनी के घोंसले पर पहुंची वो अपने घोंसले में नहीं थी। ना जाने टोनी कहाँ गई है, वो जल्दी आएगी तो अच्छा होगा। ठीक उसी समय मगरमच्छ बड़ी आस से उसकी ओर देखे जा रहा था। ये मगरमच्छ इस तरह क्यों देख रहा होगा? तुम यूँ आंख फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? बच्चों को खाने की सोच रहे हो क्या? ऐसे गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो उनका दोस्त हूँ। भला दोस्त के बच्चों को मैं नुकसान पहुँचाने की क्यों सोचूंगा? मगरमच्छ ने सफाई देने की कोशिश की। फिर भला ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मैं तो पेड़ पर उन फलों को देख रहा था। मेरी सहेली हर दिन मुझे फल तोड़कर देती है खाने के लिए। लूसी ने उसकी बात को सच समझा। तभी घोंसले पर टोनी लौट कर आई। लूसी तुम यहाँ कब आई? क्या तुम्हें कोई काम था? लूसी ने रोते हुए कहा, मेरे पति की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती, उनके देखभाल में ही मेरा सारा समय बीत जाता है। बाहर जाकर आहार की व्यवस्था नहीं कर पा रही हूँ। किस समय क्या हो जाएगा ये पता नहीं चलता। घर के हालात इतने बिगड़ गए कि मुझे आखिर बाहर निकलना पड़ा, पर मुझे कहीं भी आहार नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा आहार देकर मेरी मदद करोगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी सहेली हो, तुम्हें जो चाहिए हो ले सकती हो। टोनी ने एक पोटली में कुछ दाने भरकर उसे दे दिए। ये देखकर लूसी बहुत खुश हो गई। तुम जैसी सहेली पाकर मैं आज बहुत खुश हूँ। शायद इसीलिए जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ मुझे तुम ही याद आती हो। मैं और कहीं नहीं जाती, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। जब मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे तब ये सब मैं लौटा दूंगी। उस पर टोनी ने कहा, दोस्त तुम्हें ये सब लौटाने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे ना? हामी भरते हुए लूसी ने उससे पूछा, वैसे दोस्त ये नदी में जो मगरमच्छ है इसकी नज़र कुछ ठीक नहीं लगती मुझे, तुम जरा उससे बच कर रहना। तुम समझ रही हो ना मैं क्यों कह रही हूँ? ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। लूसी बड़ी खुश होकर उन दानों को लिए अपने घोंसले के लिए निकल पड़ी। टोनी मन ही मन सोचने लगी, आखिर लूसी ने ऐसा क्यों कहा होगा? अगर उसने कहा है तो जरूर कोई बात होगी। लगता है उस मगरमच्छ से सावधान रहने में ही मेरी भलाई है। दिन बीत रहे थे। टोनी अब मगरमच्छ से ज्यादा बात नहीं करती थी। क्या बात है दोस्त, आजकल तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल मैं काम में व्यस्त रह रही हूँ, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पा रही। ओ अच्छा, तो ये बात है, तुम मुझसे बात नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं दोस्त, मैंने बुरा नहीं माना। ये कहकर टोनी आहार की तलाश में बाहर निकल गई। मगरमच्छ ने मन ही मन सोचा, पता नहीं क्यों मुझे उसकी कही बात पर भरोसा नहीं, हो न हो उसे मुझ पर शक हो रहा होगा, और अगर यही सच है तो मैं इंतजार नहीं करने वाला। ऐसे मगरमच्छ सोच रहा था। ठीक उसी समय छोटू तोता अपने दो बच्चों को साथ में लिए हवा में उड़ती हुई कहीं जा रही थी, पर अचानक उसके मुंह से उसके बच्चे छूट गए। माँ, माँ,
यूं चिल्लाते हुए बच्चों ने मदद की गुहार लगाई, पर अचानक वहाँ पर मगरमच्छ आया और एक झटके में उन दोनों बच्चों को खा गया। मेरे मासूम बच्चों को खा गया वो मगरमच्छ, हे भगवान। यूं रोते हुए निस्सहाय होकर वहाँ से चली गई। ये सब उसी पेड़ पर रहे टोनी तोता के बच्चों ने देख लिया। कितने बेरहमी से नन्हे पक्षियों को खा लिया, माँ को ये बात जरूर बतानी होगी हमें। वो दोनों जब यूं बात कर रहे थे, मगरमच्छ ने उनकी बातें सुन ली। अच्छा बच्चों, तो तुम यहाँ पर जो कुछ हुआ अपनी माँ को बताना चाहते हो, पर तब तक तुम जिंदा रहोगे तो ना। ये कहकर मगरमच्छ पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। नहीं, ऐसा मत करो, हमें डर लग रहा है। यूं रो रो कर उससे विनती कर रहे थे। बड़ी जोर लगाकर पेड़ को हिलाने पर घोंसला खिसक कर लटकने लगा। घोंसला पेड़ के पत्तियों में फंस गया था। तभी वहाँ पर टोनी गौरैया आई और इस दृश्य को देखकर घबरा गई। ये तुम क्या कर रहे हो दोस्त, मेरे बच्चों को मार डालना चाहते हो? हाँ माँ, इसने अभी तोते के बच्चों को भी खा लिया। मगरमच्छ ने अपनी कपट सोच बाहर रखी। हाँ, मैं खा जाऊंगा तुम्हारे बच्चों को भी। कितने समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था मैं, आज वो दिन आ गया है तो भला मैं ये मौका कैसे छोड़ूंगा। टोनी ने अपने चोंच से घोंसले को पकड़कर खींचने की बहुत कोशिश की। दूसरी ओर मगरमच्छ ने अपना मुंह खोल कर रखा था। मगरमच्छ ने सोच ही लिया था कि आज टोनी के बच्चे उसका आहार बन ही जाएंगे। वो हताश होकर कहने लगी, हे भगवान, कोई तो मेरी मदद को आए। ठीक उसी समय वहाँ पर लूसी पहुँच गई। लूसी की सहायता से टोनी ने अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। टोनी ने अपने बच्चों को गले से लगाया और रोने लगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, तुम्हें अपना दोस्त बनाया था, पर तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो। टोनी ने ठान लिया कि वो उस जगह अब नहीं रहेगी। वो लूसी के साथ उसके घर पर गई। तब उसे पता चला कि लूसी ये बताने आई थी कि उसके पति का देहांत हुआ है। समय बीता, टोनी गौरैया ने दूर कहीं पेड़ पर अपना घोंसला बनाया और अपने बच्चों के साथ वहाँ पर सुरक्षित जीने लगी। एक जंगल में एक बड़े से पेड़ पर कुछ सुंदर से घर बने हुए थे। उनमें से एक घर में गौरैया, दूसरे घर में छोटू तोता, एक में चीचू कौवा और मही चील अपने अपने घरों में खुशी से रहा करते थे। उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन चील के घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। नहीं, मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए मुझे, दोस्तों मुझे बचा लो। उसकी आवाज सुन लूसी ने कहा, दोस्तों सुना तुमने, चील के घर से फिर से चीखने की आवाज आ रही है, लगता है उसका पियक्कड़ पति घर लौटा है। ये सोचकर लूसी कबूतर, चीचू कौवा और टोनी गौरैया उसके घर जाते हैं। जैसे उन्होंने सोचा, सच में उस चील का पति उसकी पिटाई कर रहा था। जब तक वे तीनों पंछी उसके घर पहुंच पाते, चील के पति ने उसके सर पर बहुत जोर का वार किया जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तुम अगर मर भी जाओगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी जरूरत नहीं। तभी चील के तीनों सहेलियों के वहाँ पहुँचने पर चील का पति गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मही, उठो मही, मही उठो। यूं उन तीनों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, पर चील को होश नहीं आया। सभी बहुत दुखी हो रहे थे। चीचू कौवा तुरंत उसके लिए दवाई लेकर आई। उसके घाव पर उन्होंने मलहम लगाया। बहुत समय के बाद चील को होश आया, पर सर पर चोट लगने के कारण वह पगला गई थी। हे, कौन हो तुम सब लोग और यहाँ क्यों आए हो? मुझे मेरे घर जाना है, मेरे पति मेरी राह देख रहे होंगे। अगर मैं घर नहीं जाऊंगी तो मेरे पति मुझे मारेंगे, मुझे जाने दो। यूं अजीब अजीब बातें कर रही थी। आखिर इसे क्या हुआ होगा दोस्त, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे भी डर लग रहा है, लगता है उसकी पति की मार की वजह से उसके दिमाग पर असर हुआ है। चील का अजीब अजीब बतियाना जारी था। बहुत देर तक यूं ही बात कर वो बेहोश हो गई। सभी की समझ में आ गया कि उसके दिमाग पर असर हुआ है। दिन बीतते चले गए। सभी पंछी उसका छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखने लगे। कहीं बाहर जाते तो टोनी गौरैया को बाहर पहरेदारी के लिए छोड़ दिया करते, पर टोनी गौरैया उसको संभालते संभालते थक चुकी थी। टोनी ऊब गई और एक दिन उसने चील को बांध दिया। बहुत दिनों बाद चील का पति वापस लौटा। क्या हुआ है इसे, इस तरह बांध कर क्यों रखा है?
तुम्हारी मार की वजह से उसके दिमाग पर असर हुआ और उसकी ये हालत हुई है। तुम जैसा निर्दयी पति किसी का न हो। वैसे भी इतने समय बाद अब वापस क्यों लौटे हो? क्या ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या मर गई? इस पर गुस्से से चील के पति ने कहा, समझो आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर चील का पति वहाँ से चला गया। टोनी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुका। यूं ही दिन बीतते गए। एक दिन उसकी सहेली पंछियों ने कहा, कभी नहीं सोचा था इसकी हालत कभी ऐसी होगी, हम कभी इसे ऐसे देखेंगे। अपनी दोस्त चील की ऐसी हालत देखकर सभी सहेलियों को बहुत बुरा लग रहा था। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि अब उनके जिंदगी में अच्छे पलों को ला दे। अचानक कुछ दिनों के बीतने के बाद माही चील घर से गायब हो गई। बिन बताए माही चील आखिर गई कहाँ? घबराई हुई गौरैया उसकी तलाश में निकली तो देखा चील पटरियों के पास खड़ी होकर अजीब अजीब बातें कर रही थी। गौरैया तुरंत उसके पास गई। दोस्त घर चलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरैया के पूछने पर भी चील ने उसे कुछ न कहा और खामोश रही। कुछ देर बाद उसने गौरैया को पटरियों से बांध दिया। दोस्त ट्रेन के आने का समय हो रहा है, मुझे खोल दो, मैं मर जाऊंगी दोस्त, ये रस्सी खोल दो। डरी हुई गौरैया ने उससे विनती की। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। यूं वो बड़ी खुश हो रही थी। इतने में ट्रेन आ गई। गौरैया की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो सिकुड़ कर पटरियों पर सो गई। ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर चील बेहोश हो गई। ट्रेन निकल गई। गौरैया को कुछ नहीं हुआ था, वो सुरक्षित थी। दूसरी ओर अपनी सहेलियों को ढूंढती हुई चीचू कौवा और लूसी कबूतर उड़ती हुई उन्हें ढूंढने लगी। अपने दोस्तों के लिए चिंतित होकर दोनों उड़ते उड़ते रेल के पटरियों के पास पहुंचे। टोनी को इस हालत में देखकर दोनों बहुत घबरा गए और तुरंत उसे वहां से छुड़ा दिया। गौरैया ने उन दोनों से कहा, सबसे पहले उसे देखो, उसे हुआ क्या है? घबराए हुए तीनों पंछी चील के पास जाते हैं। मही मही उठो मही। कुछ ही समय में मही को होश आया और उसे बीती सारी बातें याद आने लगी। क्या हुआ, आखिर मुझे क्या हुआ था? चील की याददाश्त वापस आ गई थी। ये जानकर सभी दोस्त बहुत खुश हुए। चील को उसके दोस्तों ने सारी बात बताई। क्या कहा, मेरी मदद करने वाले मेरे दोस्तों के साथ ही मैंने इतना बुरा किया। टोनी मुझे माफ कर दो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत हो, वरना जिंदगी भर मैं अपने आप को कोसती रहती। यूं रोकर चील ने उससे माफी मांगी। कोई बात नहीं दोस्त, तूने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना, जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ दोस्त, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब किसी भी तरह तुम्हारे पति को वापस लेकर आने की कोशिश करते हैं। भला क्यों दोस्तों, जिसने मुझे ठुकरा दिया मैं वापस उसके पास क्यों जाऊं? अब मुझे भी उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यही सोच लूंगी कि मेरी शादी ही नहीं हुई। पति वो होता है जो बर्दाश्त कर पाए, पर अपनी जिम्मेदारियों को ठुकरा कर यूं तकलीफ देने वाला पति नहीं होता। अगर वो कुछ न कर घर पर बैठकर खाना भी चाहे तब भी मैं चुप रहती, पर इस तरह मनमानी से अत्याचार करने वाला पति मुझे नहीं चाहिए। उसकी बात पर हामी भरते हुए लूसी कबूतर ने कहा, हाँ दोस्त तुम सही कह रही हो, नहीं तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। अगर वो वापस आया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, हमें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। उसे ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। ये तय कर वे तीनों वहाँ से दूर चले जाते हैं। बहुत दूर तक यात्रा तय कर वो एक जगह पहुँच जाते हैं। वहीं पर उन सभी ने मिलकर एक बड़ा सा घोंसला बनाया और उसी में रहने लगे। अगले सवेरे देखा तो पास वाले पेड़ पर मही का पति पागल हो चुका था। दोस्तों मैं अपने पति को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, मुझसे नहीं होगा। ये सोचकर चील वापस अपने पति के पास गई और अपने पागल हुए पति की ओर देखते हुए उसके ठीक होने की भगवान से कामना करने लगी। चील की सहेलियों ने भी भगवान से प्रार्थना की कि उसके पति को जल्द ही ठीक कर दे। कुछ समय बाद पति की याददाश्त वापस लौट गई। उसने अपनी पिछली बातों के लिए अपनी पत्नी से माफी मांगी।